आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जो शॉप आप अभी अभी खरीद के आए हैं वो मुझे खरीदनी थी। आपको खरीदनी थी, मैंने खरीदी। अब नहीं, एक मिनट, मतलब मुझे वो खरीदनी है, वो मेरे, मुझे नहीं बेचनी। रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। जस्ट बिकॉज आप पैसे वाले हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के सपनों के साथ खेलेंगे। बात को करने का, उसे समझने का एक तरीका। मुझे सिर्फ बिजनेस समझना। अरे पर सुनिए, एक्सक्यूज मी, तेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई। एक्चुअली मैं पार्टी में उसे एक्सपेक्ट कर रही थी, इसीलिए रुकी रही, लेकिन वो आया ही नहीं। तानी, तू फिर से अनुराग के बारे में सोच रही है? दादा वो माँ ने और मैंने कितनी बार मना किया तुझे कि अनुराग के बारे में ना सोचो, फिर भी घूम फिर कर तो उसी के बारे में सोचती रहती है। तानी 8 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए, लेकिन इन 8 सालों में अनुराग एक बार भी नहीं आया यहाँ पर। वो सिर्फ हमसे, हमारे घर से नहीं बल्कि इस देश से भी रिश्ता तोड़ चुका है। तानी एक बात बताना, क्या तू सिर्फ उसी से मिलने आई यहाँ पर? नहीं दादा, मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ। तो फिर अपना काम कर, और ज्यादा वहां झांकने की जरूरत नहीं है। और अगर तूने कोई भी ऐसी कोशिश की ना, तो मैं सीधा जाकर माँ को बता दूंगा, समझी ना? और तू, हाँ? तू इसकी दोस्त है ना? हाँ? समझा देना इसे। तानी, कहाँ जा रही तू? जो काम करने आई थी वही करने जा रही हूँ। माफ करना बेटा, आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी। देखो अभी अभी वो दुकान मैंने बेच दी है। क्या बेच दी? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप तो पापा के दोस्त हैं ना, फिर आपने ये दुकान क्यों बेच दी? हमने कितने विश्वास के साथ आपको ये दुकान सौंपी थी, और आपने दुकान लेते वक्त ये कहा था कि अगर आप ये दुकान बेचेंगे तो सिर्फ हमें, हमारे उस वक्त हालात ठीक नहीं थे इसलिए ये दुकान बेचनी पड़ी। फिर आपने क्यों? मैं मानती हूँ 8 साल बहुत लंबा वक्त होता है, पर आज आप इस दुकान की जितनी कीमत मांग रहे हैं हम दे रहे हैं ना, तो फिर आपने, क्योंकि बेटा जिसे मैंने दुकान बेची है उसने बाजार भाव से दुगनी रकम देकर उसे खरीदा है मुझसे। इस बार मुझे सामने से दुगनी रकम का ऑफर आया तो मैं मना नहीं कर सकता। दुगनी कीमत? किसने दी दुगनी कीमत? बहुत बड़ा आदमी था, अभी अभी निकला यहाँ से, शायद बाहर ही कहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। जो शॉप आप अभी अभी खरीद के आए हैं वो मुझे खरीदनी थी। आपको खरीदनी थी, मैंने खरीदी। अब नहीं, एक मिनट, मतलब मुझे वो खरीदनी है, वो मेरे, मुझे नहीं बेचनी। रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। जस्ट बिकॉज आप पैसे वाले हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के सपनों के साथ खेलेंगे। बात को करने का, उसे समझने का एक तरीका। मुझे सिर्फ बिजनेस समझना। अरे पर सुनिए, एक्सक्यूज मी,
हमारी दुकान लेकर चला गया, इतने सालों का देखा हुआ सपना तोड़कर चला गया। मैं अपनी दुकान वापस नहीं ले पाई, माँ को क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें कि हमारी निशानी, बाबा की निशानी अब हमारी नहीं रही। हेलो तानी, क्या बाबा तुझे के समय नहीं मिला फोन करने का? अब वहां पहुंच के बस वहीं की होके रह गई, पता नहीं कि माँ इतना परेशान हो रही होगी, फोन क्यों नहीं किया? माँ तानी, तानी तानी तो रो क्यों रही है, क्या हुआ बोल। माँ मैं बाबा की दुकान खरीदने गई थी, लेकिन अच्छा बाबा तू रो मत ना, चिंता मत कर तानी। लेकिन माँ बाबा की दुकान थी वो। अरे बाबा नहीं चाहिए हमें बाबा की दुकान, तूने कोशिश की ना बाबा की दुकान के लिए अभी, और वैसे भी बाबा की सारी यादें हैं तो हमारे साथ, अभी दुकान नहीं मिली तो कुछ नहीं होता। काली माँ नहीं चाहती कि वो दुकान हमारे पास है तो रहने दे। माँ यहाँ आकर कोई काम नहीं हुआ, ना ही मैं बाबा की दुकान ले पाई और ना ही उन्हें। तुमने ठीक कहा था माँ, इस शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तानी, इसे तो दुकान में रखना, इसे गुड लक आता है। लेकिन ओनू ये लाफिंग बुद्धा तो मैंने ही तुझे दिया था, तो इसे यहाँ क्यों रखना चाहता है? जानता हूँ मैं, लेकिन बिमल काका की इस दुकान के 10 साल पूरे हुए ना, तो उन्हें मैं कीमती से कीमती गिफ्ट देना चाहता हूँ, और तू जानती है ना इससे ज्यादा कीमती गिफ्ट कुछ है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि इसके साथ मीनू में इसकी यादें जुड़ी है और तेरे बेस्ट विशेस भी। पर ओनू तानी, इसे मेरे घर पे रखू या यहाँ रखू एक ही तो बात है ना, और फिर ये यहाँ रहेगा तो तुझे मेरी याद भी दिलाता रहेगा ना। हाँ, क्योंकि ये दिखता भी बिल्कुल तेरी तरह है। ठीक है, और सुन, इसे कभी इस दुकान से बाहर मत निकालना, अब ना ये तेरा है ना ये मेरा, ये अब दुकान का है। तू कब आया? देख, मैंने तेरा फेवरेट मिठाई बनाया है आज। और ये क्या है? ना इसे अब दुकान में रखेगी ना तो बहुत तरक्की होगी दुकान की, वहां रख दू मैं? हाँ बाबा रख दे। Excuse me, hello. क्या कर रही है तुम? कोई चोरी वोरी करने नहीं आई हूँ तुम्हारे यहाँ, पता है मुझे कि ये दुकान तुम्हारी है,
पर यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सिर्फ मेरा हक है। वही ले जाने आई थी। इस दुकान से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। सारा बचपन यहीं बीता है। तुम अपने पैसों से ये दुकान खरीद सकते हो, मेरी यादें नहीं। ये मेरे बाबा की दुकान है। और ये मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दिया था। मौका प्यार तेरे लिए, खुशियां हजार, बहुत कीमती है ये मेरे लिए। जन्नत दुआर तेरे लिए, और मैं इसे यहाँ से ले जा रही हूँ। जिस्म पाक आँखों में भर लूं, सांस सांस में शामिल कर लूं, इस दुनिया में जान गवां तुझे, उस दुनिया में हासिल गवा कर भी जो जिंदगी मिले, हर खुशी गवा कर भी जो एक खुशी मिले। Estava